बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्मे शायरी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्मे शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराए रास्त ताल्लुक अदब तख्लीक करने से होता है। और नाज़रीन, मैं बारहा ये बात आपकी समातों तक मुंतकिल कर चुका हूँ कि कभी कभी हमारी बज़्म में बाइस से तौकीर होते हैं वो शख्सियात जो हमें शरफ़ अता करती हैं, हमारी बज़्म शायरी का हिस्सा बनती हैं। उसी जंजीर की एक कड़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दतों बाद अमेरिका से एक ताकतवर नौजवान नस्ल शायरा की आवाज़ आई है, जो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि दुनिया उर्दू में जिसकी गूंज सुनाई देती है। अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं खूबसूरत लबो लहजे की शायरा हैं, हुमैरा गुल तशना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपने बज़्मे शायरी के लिए वक्त निकाला। मैं अपनी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बज़्मे शायरी का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया आपका, आमिर मसूद साहब का और मेट्रो News 1 के पूरे प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुमैरा, अगर नागवार ना गुजरे तो कुछ सवाल कायम करने की जसारत करूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा हुमैरा, हमने ये देखा कि अमेरिका में सीनियर शौरा की आवाज़ें हमेशा से आती रहीं, हमारे अमासर भी रहे, हमसे सीनियर भी रहे, और वो जो हमेशा से शायरी कर रहे थे माफ़ कीजिएगा, हमेशा से शायरी कर रहे थे, कोई ताज़ा और एक ताकतवर आवाज़ सामने नहीं आ रही थी। उस जमूत को आपने ख़त्म किया, उस खामोशी को आपने तोड़ा और एक ताकतवर आवाज़ शेरी ताकत के साथ पूरी दुनिया पर अपने असरात उसने मुरतब किए। उसके अशार नौजवान नस्ल से उनका रिश्ता गहरा होता गया और वो शायरा हैं हुमैरा गुल तशना। तो हमें ऐसा लगता है हुमैरा गुल तशना कि आपने बहुत सालों का सफ़र वो चंद सालों में तय कर लिया, हमें ऐसा लगता है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, आपकी क्या काविशात हैं, आपकी क्या मुशक्क़त है, आपकी क्या रियाजत है इस मुकाम तक पहुंचने पर? मैं अदबी मंजरनामे पर शायद बहुत कम अरसा हुआ जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ये जो रियाजत है ये बचपन से चली आ रही है। वाह। और शायरी एक ऐसी मेरी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है कि मैंने कभी भी इसको पसे पुश्त नहीं डाला। वाह। बचपन से जो एक लिखने का सिलसिला चल रहा है, उस वक्त जिस एज से लिख रही हूँ, जिस उम्र से लिख रही हूँ, पता नहीं था कि क्या लिख रही हूँ लेकिन लिख रही थी। वाह। तो वो सिलसिला मैंने कभी अपना रुकने नहीं दिया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रियाजत बचपन से है। वाह। जो अब आपने बहुत कम अरसा हुआ देख रहे हैं जो आप लोगों के सामने है। और जहाँ तक ताकतवर आवाज़ की बात है तो मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मेरे कलम में इतनी ताकत दी और मुझे ये सलाहियत दी कि मैं लिख सकूँ और इतना बेहतर लिख सकूँ कि उसको जो है वो लोग नोटिस करें और उसका जो है वो नोट किए बगैर बेसिकली ना रह सकें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अच्छा हुमैरा, हम ज़ाहरी तौर पर जब हुमैरा गुल तशना को देखते हैं तो हमें वो अरब की एक लड़की दिखाई देती है, एक मिस्र की लड़की दिखाई देती है। तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या दीगर ममालिक से जब लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी सकाफत से रिश्ता ख़त्म ही कर बैठते हैं। कम वेश ऐसे लोग हमारी निगाहों में हैं, लेकिन जब हम हुमैरा गुल तशना को देखते हैं उसके इस गेटअप में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ की सकाफत कोई आप पर असरानंदाज नहीं हुई, बल्कि आपने अपने घरेलू तरबियत और ये मैं बुनियादी तौर पर आपके जो स्काफ़ है और आपके ड्रेस के ताल्लुक से कह रहा हूँ, तो ये वहाँ जाने के बाद आपने इस्तेमाल इसका शुरू किया स्काफ़ का, या पाकिस्तान से ही आपने? स्काफ मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन 8वीं या 9वीं जमात से ही यहीं पर ले लिया। अच्छा। तो लेकिन मेरी अपनी ज़ाती तौर पर जो है वो मैं समझती हूँ कि हर इंसान की और हर कौम की अपनी एक शनाख्त होती है। वाह।
तो हमारे रंग इतने कच्चे नहीं होने चाहिए कि गैर के रंग हम पर हावी हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही मेरी सोच थी और यही चीज़ थी कि इसने मुझे कभी भी मेरे स्कार्फ से या मेरा अपना जो स्टाइल है, जो भी मेरा ज़ाहरी लुक है, उसको मैंने बदला नहीं, क्योंकि मैं क्यों किसी और की जो है वो नकल करूँ, किसी और की जो है वो तकलीद करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरा अपना आप पर कॉन्फिडेंस है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मेरा लिबास मुकम्मल है और ये कि मैं पूरे लिबास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आके अपना काम कर सकती हूँ, तो मुझे उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुझे उनके साथ मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी सकाफत, अपने लिबास, अपने वैल्यूज़ को जो है वो पीछे रखूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूसरी बात एक ये भी बताती चलूँ कि अब इस वक्त अमेरिका में स्कार्फ को बहुत पसंद भी किया जाता है, क्योंकि उससे ये वो लोग अपनी यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पर शो करते हैं डाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ जो है वो मुस्लिम्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। वाह। तो ये एक उनके लिए भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि जब वो शो करें कि जो उनके यहाँ की अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज़, उनको वो लेकर आते हैं, उनको चांसेस दे रहे हैं अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये उनके लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम अपने पूरे भरपूर तरीके के साथ आगे आएँ। स्कार्फ हमें रोकता नहीं है, कहीं आपकी राह में हायल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मैं बल्कि यही जानना चाह रहा था हुमैरा कि जो शक्ल मुसलमानों की बनाकर पेश की गई है, उसके बाद हमने देखा कि स्कार्फ या आबा और इस टाइप की चीज़ें जो हमने सुना कि वो राह में वहाँ हायल हो रही हैं, लोग उनसे खौफजदा होते हैं, तो आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगी? ऐसा कोई आपको दिखाई नहीं देता कि आप ये राह में हायल हो रहा हो आपकी ड्रेसिंग? देखिए, अगर बज़ाहिर जो वाक़यात गुजरे तारीख में उनको देखते हुए अगर लोग डिस्टर्ब हुए या खौफजदा हुए स्कार्फ से और मुसलमानों के जो ज़ाहरी उनका लिबास है उससे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं उस लिबास को जो है वो तब्दील करूँ और आपका खौफ ख़त्म कर दूँ। वाह। इसका मतलब तो ये होता है कि मुझे अपने लिबास को रखते हुए आपका खौफ ख़त्म करना है, तो उस खौफ को ख़त्म करने के लिए वो खौफ लिबास से नहीं है, अपने अमल से मजीद मजबूत करें लिबास को। तो मैं अगर कहीं पे भी बाहर निकलती हूँ तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा हुमैरा गुलतशना कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, जो सबसे पहला तारुफ जाता है, वो ये है कि मैं एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं अपनी शनाख्त को क्यों ख़राब करूं, क्यों पीछे रखूं? और दूसरा ये कि जहाँ तक यानी कि मैं स्कार्फ पहन कर अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, मैंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस, आप जो काम कर रहे हैं उसको भरपूर तरीके से करें, लोगों का जहन खुद ब खुद बदलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके लिए आपको लिबास नहीं, आपको लोगों का जहन बदलना है जो आप अपने अमल से बदलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमा रही हैं। अच्छा हुमैरा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ अगर हमें बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, और हम जानना चाहते हैं। एजुकेशन का मामला ये है कि पाकिस्तान में मैंने बमुश्किल मैट्रिक किया था कि मेरी शादी हो गई। अच्छा। और फिर वहीं पे मेरा तालीमी सफ़र जारी रहा, वहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन में जो है वो अपना एसोसिएट डिग्री की, फिर मैंने अभी 2019 में मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया जर्नलिज्म में, और इस वक्त मैं अपना मास्टर्स मुकम्मल कर रही हूँ, थीसिस पे काम कर रही हूँ जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ में है, और मेरा फोकस जो है वो IR फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस आप कह लें। बहुत अच्छे। तो इस पूरे सिनेरियो पे काम हो रहा है। बहुत अच्छे। तो ये छोटी सी उम्र में शायरी, और सिर्फ शायरी ऐसी नहीं जो शौकिया होती है, बल्कि वो शायरी में जो हमने आपकी शायरी समात की उसमें ऐसा लगता है कि ये शौकिया शायरी नहीं है, बल्कि ये कोई मसला है जिसे हल करने के लिए कोई शायरा जो है वो परेशान है, हमें ऐसा दिखाई देता है आपकी शायरी पर। तो फिर ये आपकी एजुकेशन का जो आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो किस तरह से वक्त इसको आप मेंटेन करती हैं, किस तरह से वक्त देती हैं शायरी को, किस तरह अपनी एजुकेशन को देती हैं, फिर किस तरह, जैसा कि आपने ये हमारे इल्म में इजाफा फरमाया कि कम उम्री ही में शादी होकर आप यहाँ से रुख्सत हो गई थी, तो ये फिर एक घर की जिम्मेदारी, तो ये तमाम को किस तरह से बांटती हैं? उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना पड़ता है कि
सारी चीज़ें फिर आप जो है वो आराम से कर सकते हैं। जहाँ तक बज़ाहिर तालीम है तो उसके लिए तो मैं अपना एक मखसूस टाइम रखती हूँ कि भाई ये वक्त है कि इसमें मुझे अपनी रिसर्चेस करनी है या जो भी अगर असाइनमेंट्स हैं उनको देखना है। घर के कामों को भी इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। और शायरी की जहाँ तक बात है तो वो बस जब अल्लाह ताला अता करते हैं तब लिख लेती हूँ, और उसके बाद जब मूड बन जाता है तब जो है वो उसको थोड़ा बहुत वक्त देती हूँ। बहुत अच्छी बात। तो ये नहीं है कि कोई मखसूस वक्त हो उसके लिए, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह की अता है बेशक, जिस पे मेरा इख्तियार नहीं। बहुत तो कभी भी सोच के नहीं लिखा जो भी लिखा। वाह। जैसे एक अमूमन कुछ शायद लोगों का प्लानिंग नहीं की उसकी, प्लानिंग नहीं बल्कि अमूमन तो ये होता है कि काम करते हुए कोई भी घरेलू काम कर रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ उस दौरान जो है वो बस जहन में कुछ अल्लाह ताला डाल रहे हैं और मैं जो हूँ वो अपने सारे कामों को साइड पे रख करके लिखना शुरू कर देती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, हमने तस्ना जैसे आपके एजुकेशन के ताल्लुक से जिसारत की कि हम जाने, और फिर आपने अपने घर के ताल्लुक से अपनी मसरूफियात के ताल्लुक से बताया। हमने ये भी देखा कि उमैरा गुल तस्ना का कलाम सोशल मीडिया पर बहुत दूर तक पहुंचा हुआ है, और ना सिर्फ उसे हुमैरा गुल तशना शेयर करती हैं बल्कि दीगर अहबाब भी जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी शायरी से मोहब्बत करते हैं, वो भी शेयर करते हैं। और हमने ये देखा कि तवातुर से ताज़ा कलाम हुमैरा का शाया होता रहता है, और फिर हम ये देखते हैं कि हुमैरा जो है वो किताब की जानिब तवज्जो नहीं दे रही, जबकि हमारे इल्म में है कि उनके पास कई किताबों का मवाद मौजूद होगा। बिल्कुल ऐसा है, और किताब फौरी तौर पर ना लाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। थीसिस के ऊपर काम अभी मेरा तकरीबन मुकम्मल है और इंशाल्लाह मेरा इस साल जो है वो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही बेसिकली वजह थी कि मैं अपनी पढ़ाई इस वक्त मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि उसके लिए वक्त इतना ज़्यादा आपको चाहिए होता है, रिसर्च करनी होती है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी तवज्जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़े। बहुत अच्छा। तो और मैं नहीं चाहती कि मेरी किताब जो है वो जल्दी में इतनी शाया हो कि उसके बाद जो है ना वो लोगों के जहन में को कि इसने लिखा क्या है। बहुत अच्छा। क्योंकि किताब लाना तो आसान है, लेकिन वो किताब जब आपकी ज़मीन, आपकी किताब जो है वो आपकी ज़मीन है, जब तक आपकी ज़मीन ही मजबूत नहीं होगी तो आप उसमें बड़ी इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो एक किताब लाकर तो ये नहीं होना चाहिए ना, मतलब किताब को शनाख्ती कार्ड ना समझा जाए पाकिस्तान में कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, बल्कि वो किताब हो और जिससे पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे कि हाँ। बिल्कुल ऐसी ही किताब होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लाया गया कलाम जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता। बिल्कुल, बेशक बेशक। बहुत अच्छे हुमैरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाज़त से हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिका से तशरीफ़ लाई नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा हुमैरा गुल तशना, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थी। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर हुमैरा गुल तशना से शेरी कलाम समात करेंगे। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं हुमैरा गुल तशना, नौजवान नस्ल की खूबसूरत शायरा, एक ताकतवर शायरा। वक्फे पर जाने से कबल हम हुमैरा गुल तशना से उनकी ज़िंदगी की मसरूफियात के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने समाअत की, हमने समाअत की, और अब हम ये चाहेंगे कि हुमैरा गुल तशना से उनका खूबसूरत शेरी कलाम समाअत करें। हुमैरा, वक्फे पर जाने से कबल आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और जैसा कि मैंने अभी वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो ये कहा कि हम चाहेंगे कि हुमैरा से उनका कलाम भी समाअत करें, तो अगर नागवार ना गुजरे तो कुछ कलाम अता कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं एक नज़्म आपको ज़रूर पेश खिदमत है। इस नज़्म का उन्वान है तिकोनी दायरा। वाह। मुख्तसर सी नज़्म है जी। एक तिकोन कमरा है। वाह। एक तिकोन कमरा है, उस इस तिकोन कमरे के तीन है सिरे तशना। आहा। एक तिकोन कमरा है, इस तिकोन कमरे के तीन है सिरे तशना, और ये सिरे तीनों तीन समत जाते हैं। बहुत अच्छे। और ये सिरे तीनों तीन समत जाते हैं, वसल का सिरा है एक, दूसरा है रुस्वाई। वसल का सिरा है एक, दूसरा है रुस्वाई, तीसरे सिरे पर है दर्द और तन्हाई। वसल का सिरा है एक, दूसरा है रुस्वाई, तीसरे सिरे पर है दर्द और तन्हाई,
मैं वही मोहब्बत हूँ जो तिकोन कमरे के दायरे में रहती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत नज़्म, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और ये एक गजल के चंद अशआर जी, अता कीजिए। तन्हाई का साज सुनाए बारिश और वीरान सड़क। क्या कहने, क्या कहने। तन्हाई का साज सुनाए बारिश और वीरान सड़क, मुझको घर की याद दिलाए। वाह वाह, बारिश और वीरान सड़क। वाह वाह वाह, मुझको घर की याद दिलाए बारिश और वीरान सड़क, सर पर छतरी याद की गठरी दिल में रोशन रंज थकन। वाह, सर पर छतरी याद की गठरी दिल में रोशन रंज थकन, एक सफर की याद जलाए। क्या कहने, क्या कहने। और वीरान, वाह वाह, बहुत अच्छे। एक सफर की याद जलाए बारिश और वीरान सड़क, टिप टिप गिरती बूंदें जब भी राग सुनाए बरखा का। क्या कहने। टिप टिप गिरती बूंदें जब भी राग सुनाए बरखा का, यादों की मल्हार सुनाए बारिश और वीरान। क्या रदीफ को निभाया है, वाह वाह वाह। यादों की मल्हार सुनाए बारिश और वीरान सड़क, गर्दिश करते सैयारे पर गर्दिश में है पांव मेरे। क्या कहने। गर्दिश करते सैयारे पर गर्दिश में है पांव मेरे, जोगन हूँ और नाच नचाए। क्या कहने। बारिश और बहुत अच्छे तशना, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जोगन हूँ और नाच नचाए। और इस गजल का मकता है कि मौसम खुशबू बादल जुगनू, वाह, तशना उसके साथी हैं। क्या कहने। मौसम खुशबू बादल जुगनू तशना उसके साथी हैं, मुझको सारे राज बताए बारिश और वीरान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मुझको सारे राज बताए बारिश और वीरान सड़क। और ये और गजल के चंद जी जी जरूर आता कीजिए। देख रही हूँ कैसे लोग, देख रही हूँ कैसे लोग ऊंचे कद के बोने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये तो आपने हकायक बयान कर दिए, वाह 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 वाह। देख रही हूँ कैसे लोग, वाह वाह, ऊंचे कद के बोने लोग, कौन सी करनी कर लेंगे, कौन सी करनी कर लेंगे, अंधे बहरे गूंगे लोग। बहुत अच्छे तशना, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कौन सी करनी कर लेंगे अंधे बहरे गूंगे लोग, अपना अपना झूठ लिए, अपना अपना झूठ लिए सारे सच्चे सच्चे लोग। क्या कहने, क्या कहने। अपना अपना झूठ लिए, वाह, सारे सच्चे सच्चे लोग, तशना तुमने देखे हैं, तशना तुमने देखे हैं काले दिल के गोरे लोग। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे तशना, वाह वाह। तशना तुमने देखे हैं काले दिल के गोरे लोग, ये एक गजल जो काफी पसंद की गई है उसके चंद अशआर। जरूर। मैं अक्सर दिल की बेजा ख्वाहिशों की जद में रहती हूँ। वाह। मैं अक्सर दिल की बेजा ख्वाहिशों की जद में रहती हूँ, मगर मैं खानदानी हूँ, वाह, अपनी हद में रहती। वाह 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 वाह, फिर ज़हमत कीजिए तशना, वाह 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 वाह। मैं अक्सर दिल की बेजा ख्वाहिशों की जद में रहती हूँ, मगर मैं खानदानी हूँ, स्वप्नी हद में रहती हूँ, स्वप्नी हद में रहती हूँ। मेरे अतराफ में जो लोग हैं सब मुझसे कहते हैं, वाह, मेरे अतराफ में जो लोग हैं सब मुझसे कहते हैं बुलंद कामत हूँ लेकिन फिर भी अपने कद में रहती हूँ। बहुत अच्छे तशना, बहुत अच्छे, वाह, बहुत शुक्रिया। बुलंद कामत हूँ लेकिन फिर भी अपने कद में रहती हूँ, मैं हूँ आदम की पसली से, वाह, यकीनन है कजी मुझ में। आहा। मैं हूँ आदम की पसली से, यकीनन है कजी मुझ में, अलिफ की तरह सीधी हूँ और उसके मद में रहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अलिफ की तरह सीधी हूँ पर उसके मद में रहती हूँ, ये मेरा हुस्न राना आई मुझे तकलीफ देता है। क्या कहने,
क्या कहने, ये मेरा हुस्न राना आई मुझे तकलीफ देता है, जो बदफितरत है मैं उनकी निगाहें बद में रहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। जो बदफितरत है मैं उनकी निगाहें बद में रहती हूँ, और अगर वक्त है तो मैं जी एक जी ये आपकी बज़्म है, और जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर पेश कीजिए। ये गज़ल बे इंतहा पसंद की गई, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुई और बहुत लोगों ने इसको सराहा। इसके चंद अशआर जी अता कीजिए। बिन पानी की मछली का सा हाल करूं, वाह धमाल करूं। अरे वाह 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 वाह। बिन पानी की मछली का सा हाल करूं, धमाल करूं। क्या कहने, इश्क करूं और सागर में भौचाल करूं। बहुत अच्छे तशना, बहुत अच्छे, वाह। धमाल करूं, इश्क करूं और सागर में भौचाल करूं, वाह। धमाल करूं, रंग बिखेरूं धड़कन को सुरताल करूं। रंग बिखेरूं धड़कन को सुरताल करूं, रंग बिखेरूं धड़कन को सुरताल करूं, धमाल करूं। क्या कहें, रक्स करूं और पैरों को बेहाल करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धमाल करूं, वाह। रक्स करूं और पैरों को बेहाल करूं। दीवाना एक खाक उड़ाता दस्त में जब जब आए तो, वाह। दीवाना एक खाक उड़ाता दस्त में जब जब आए तो, खोल के बाहें उसका इस्तकबाल करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धमाल करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। खोल के बाहें उसका इस्तकबाल करूं। धरती धरती आंख से पे हम अश्क गिराए जाते हैं, धरती धरती आंख से पे हम अश्क गिराए जाते हैं, जोगन बनकर रक्स में पूरा साल करूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। जो गन बनकर रक्स में पूरा साल करूं, धमाल करूं, धमाल करूं, मांझे की उठती तानों में रंज का नौहा बहता है, वाह। मांझे की उठती तानों में रंज का नौहा बहता है, सोग मनाऊं साथ खुले मैं बाल करूं। बहुत अच्छे, धमाल करूं, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। सोग मनाऊं साथ खुले मैं बाल करूं, सर पर ठहरी खाक की चादर राह किसी की तकती है, आहा। सर पर ठहरी खाक की चादर राह किसी की तकती है, तेरे इश्क को ओढ़ूं अपनी शाल करूं। धमाल करूं, क्या कहने तशना, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तेरे इश्क को ओढ़ूं अपनी शाल करूं, और गजल का मकता है, मंजर की दीवार पे तशना मेरा रोशन चांद नहीं, आहा। मंजर की दीवार पे तशना मेरा रोशन चांद नहीं, सैयारों को मैं अपना लजपाल करूं। वाह 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 वाह, धमाल करूं, क्या कहने, क्या सैयारों को मैं अपना लजपाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तशना, खूबसूरत कलाम आप पेश कर रही हैं, और मैं तो हैरान हूं कि कैसी मुश्किल रदीफों को आपने किस सहल अंदाज से इस्तेमाल किया है। और हम तो ये समझते हैं कि हमारे बहुत सारे सीनियर्स जो हैं और हमारे हम असर जो हैं वो भी इन रदीफों का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर पाते, और आप कर रही हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आप अमरीका जैसे मुल्क में रहकर अदब पर ऐसा काम कर रही हैं और ऐसा अदब तख्लीक कर रही हैं। और ये मैंने गुफ्तगु दरमियान में यूँ की कि आप सांस ले लें, ताकि आपकी शायरी इतनी अच्छी है कि जी चाह रहे आपसे तवातुर से शायरी समाप्त की जाए। तो अगर आप थकी ना हो तो हम ये चाहेंगे कि मजीद कलाम अता कीजिए। मैं बिल्कुल कुछ सुनाती हूँ, जी जी, जो सामने आएगा वो सुना दिया जाएगा। वाह वाह, ये एक नज्म। अच्छा, इस नज्म का उन्वान है तसव्वुर। मिट्टी की चक्की में पिसकर रंग सुनहरा खो जाता है, वाह। मिट्टी की चक्की में पिसकर रंग सुनहरा खो जाता है, लाख करूं कामों को दिन भर रात तेरी सोचों को लेकर, फिर से एक आवारा पंछी लौट आता है, आहा। लाख करूं कामों को दिन भर रात तेरी सोचों को लेकर, फिर से एक आवारा पंछी लौट आता है, मैं जब आटा गूंध रही थी, वाह। और तसव्वुर आईने में तेरी ही तस्वीर सजी थी, वाह। मैं जब आटा गूंध रही थी और तसव्वुर आईने में तेरी ही तस्वीर सजी थी, हाथ में तेरा हाथ था मेरे,
तेरी बातें कानों में रस घोल रही थीं, दिल की बातें बोल रही थीं। वाह वाह वाह। हाथ में तेरा हाथ था मेरे, तेरी बातें कानों में रस घोल रही थीं, दिल की बातें बोल रही थीं। दूर कहीं साहिल पे कश्ती संग हवा के डोल रही थी, दूर कहीं साहिल पे कश्ती संग हवा के डोल रही थी, तेज हवा साहिल की लंगर खोल रही थी। क्या कहने, क्या कहने। वाह। तेज हवा साहिल की लंगर खोल रही थी और तेरी यादों में डूबी मैं भी दूर निकल जाती। वाह। और तेरी यादों में डूबी मैं भी दूर निकल जाती हूँ, खुद से गाफिल हो जाती हूँ। जब तक होश मुझे आता है हाथ से पानी गिर जाता है, आटा गीला हो जाता है। बहुत अच्छे तजना, बहुत अच्छे। क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं आप। और तजना, हमने चूंकि इस नशिस्त में भी और उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी, फिर मशायरों में भी आपको समात किया हमने और पढ़ा आपको, और हमें बहुत अच्छा लगा। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हुमैरा गुल तजना नज़्म की शायराएँ या गज़लियात की शायराएँ, इस पर हम बात करेंगे। एक वक्फ़े पर आपकी इजाज़त से जा रहे हैं, दोबारा हाजिर होकर सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, ये हैं वो शायरा जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं, ना सिर्फ गज़लियात बल्कि ऐसी नज़में जो अब नापैद होकर रह गई हैं। लोग इस तरह से, इस सलीके से नज़्म नहीं कह पा रहे, आज़ाद नज़्म ख़ास तौर से। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा गुल तजना, अमरीका से तशरीफ़ लाई। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर हुमैरा गुल तजना को ज़हमत कलाम देंगे, उनका शेरी कलाम और समाप्त करेंगे। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप वक्फ़े पर जाने से कबल समात कर रहे थे। अमेरिका से नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा गुल तजना, जो वक्फ़े पर जाने से कबल खूबसूरत शेरी कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थी। हम एक बार और हुमैरा गुल तजना से दरख्वास्त करते हैं कि वो मज़ीद कलाम आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल करें। जी हुमैरा। एक नज़्म जी, उसका उसके एक दो हिस्से मैं आपको सुनाती हूँ। ज़रूर ज़रूर। ये नज़्म अपने तर्ज में बड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ये भी जारी नज़्म। अच्छा। और इसके एक दो हिस्से आपके साथ शेयर करते हैं। इस नज़्म का उन्वान है कलम जंजीर है मेरा। कलम जंजीर है मेरा। वाह। मैं कैदी हूँ, मैं कैदी हूँ कई सदियों से कागज के जिंदा की। वाह। कलम जंजीर है मेरा। आहा। मैं कैदी हूँ कई सदियों से कागज के जिंदा की, कलम जंजीर है मेरा जो चलता है बड़ी झंकार होती। क्या कहने, क्या कहने। सियाहकारी लगी दीवार पर कुछ नक्श बनते और मिटते हैं, थकन के बोझ से ढलकी हुई गर्दन उठाकर इन निशानों को मैं तकती हूँ, कई चेहरे उभरते हैं। बहुत सी अनसुनियाँ हैं बिलकते भूख से बच्चे। वाह। बहुत सी अनसुनियाँ हैं बिलकते भूख से बच्चे, बगावत के कहीं दम तोड़ते नारे, कहीं लुटती हुई इज्जत, कहीं टूटे हुए वादे, कहीं दीनों धर्म का गुल। वाह। कहीं दीनों धर्म का गुल, कभी आईन मसलक के कहीं मस्मार होते एक किसी मीनार पर गुगा। वाह। लिसानो रंग का किस्सा, जुबानो नस्ल का झगड़ा। वाह। कहीं इंसानियत का खून होता है, नया फितना उभरता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। वाह। क्योंकि ये भी जारी गजल नज्म है तो इसको जो है वो मजीद, हम ये भी चाहेंगे जब आप इसे मुकम्मल कर लें तो हम वो मुकम्मल नज्म भी आपसे समाप्त करें इंशाल्लाह। जरूर। तो और क्या पेश कीजिएगा। एक गजल के ये चार अशआर जी अता कीजिए। इसको भी मैंने जब शेयर किया तो बहुत लोगों ने पसंद किया। हुआ जब नफ्स ही नादान अपना। वाह। हुआ जब नफ्स ही नादान अपना तो सारा जग बना जिंदान अपना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। हुआ जब नफ्स ही नादान अपना तो सारा जग बना जिंदान अपना, गिलाजत से भरा है जहन लेकिन। आहा, आहा। गिलाजत से भरा है जहन लेकिन सफाई निस्फ है ईमान अपना। बहुत अच्छे तशना, क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। गिलाजत से भरा है जहन लेकिन
सफाई निस्फ है ईमान अपना, इसी उम्मीद पर हम जी रहे हैं। वाह, इसी उम्मीद पर हम जी रहे हैं, कुमक भेजेगा वो रहमान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। इसी उम्मीद पर हम जी रहे हैं, कुमक भेजेगा वो रहमान अपना। सुनो इंसानियत गिरिया है करती, सुनो इंसानियत गिरिया है करती, फकत मजहब नहीं कुरान अपना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए। सुनो इंसानियत गिरिया है करती, फकत मजहब नहीं कुरान अपना। वाह, हुआ जब नफ्स ही नादान अपना, तो सारा जग बना जिंदान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कुछ कलाम अता कीजिए। क्या खूबसूरत कलाम आप पेश कर रही हैं। तो हम तो इस शशोपंज में हैं कि आपकी गुफ्तगू जो है वो समात करें, आपका कलाम समात करें। दोनों ही खूबसूरती से अदाई आपकी है दोनों में। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझको इस काबिल बनाया, और बेहाल ये उसी की अता है। बेशक। एक गजल के चंद अशआर सुनाते हैं, उसके बाद इजाजत। जरूर। घरानों से मोहब्बत की फजाएं छीन लेते हैं। वाह। घरानों से मोहब्बत की फजाएं छीन लेते हैं, सितमगर फूल से बच्चों की माएं छीन लेते हैं। बहुत अच्छे तशना, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। घरानों से मोहब्बत की फजाएं छीन लेते हैं, सितमगर फूल से बच्चों की माएं छीन लेते हैं। इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। आहा। इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं, सरों पर हाथ रखते ही रिदाएं छीन लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं, सरों पर हाथ रखते ही रिदाएं छीन लेते हैं। किसी मुफलिस की मजबूरी किसी की भूख का सौदा। वाह। किसी मुफलिस की मजबूरी किसी की भूख का सौदा, खुदा के नाम पर जालिम कबाएं छीन लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी खिड़की के आगे लोग उठा देते हैं दीवारें। मेरी खिड़की के आगे लोग उठा देते हैं दीवारें, मेरे कमरे के हिस्से की हवाएं छीन लेते हैं। बहुत अच्छे तशना, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरी खिड़की के आगे लोग उठा देते हैं दीवारें, मेरे कमरे के हिस्से की हवाएं छीन लेते हैं। बताओ किस तरह तशना यहाँ सैराब हो कोई। वाह। बताओ किस तरह तशना यहाँ सैराब हो कोई, समंदर खुश्क सहरा से घटाएं छीन लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। समंदर खुश्क सहरा से घटाएं छीन लेते हैं, इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सरों पर हाथ रखते ही रिदाएं छीन लेते हैं। बहुत अच्छे तशना, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत आपने कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल किया। और हम ये भी चाहेंगे तशना कि माफ़ कीजिएगा, हम ये भी चाहेंगे तशना कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं और अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं। आप एक खूबसूरत शायरा हैं, एक मजबूत शायरा हैं, और आपका कहा हुआ अपने असरात मुरतब करता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने हम असर शोरा से, शायरात से, अपने सीनियर्स अहबाब से, अपने जूनियर से कोई बात कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, तो कैमरा आपके सामने मौजूद है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि किताब से जुड़ें, और जो भी किताब पढ़ें यकीनन उसका असर इतना हो कि उसकी छाप आपकी शख्सियत पर नज़र आए। और एक जो छोटी सी बात वो ये कि मस्बत रहें, रास्ते का साथी बने अपने दूसरे शोरा के, या अपने जो भी आपके अहबाब हैं उनके रास्ते का साथी बने, ना कि उनके रास्ते का कांटा और कंकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप प्रोग्राम देख रहे थे बज़्मे शायरी, खूबसूरत शायरा को समाप्त कर रहे थे। शायरा हैं हमारे साथ हुमैरा गुल तशना। हुमैरा गुल तशना ने खूबसूरत शायरी के बाद एक खूबसूरत पैगाम आपकी समातों तक मुंतकिल किया कि अपने आने वाले ताज़ा कार शौरा की उनके सर पे अपना हाथ रखिए, उनका आप सहारा बनिए, आप उनकी ताकत बनिए, और उनकी राह में हायल मत हों। खूबसूरत पैगाम के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए।
आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।